किसान भाइयों नमस्कार। मैं इसके त्यागी वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, मैं आज आपको अनार में लगने वाले प्रमुख कीट फल छेदक के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से नुकसान करता है और उसके नियंत्रण उपाय क्या है। किसान भाइयों, फल छेदक कीट जिसको फ्रूट बोरर बोलते हैं, यदि अनार में इसका प्रकोप हो जाए तो फल खाने योग्य नहीं बचते, बेकार हो जाते हैं और बाज़ार में ये फल बिकते नहीं हैं, जिसके कारण किसानों को बहुत हानि होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पौधे में जो फल लगा हुआ है वो फल छेदक कीट के प्रकोप के कारण पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। और आप जैसा कि मैं इसको तोड़ के आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से फल छेदक कीट ने इसमें छिद्र बना दिया है और ऊपर उसका एक्स्ट्रेटा भी, उसका मल भी आपको देखने को मिल रहा है। और ये छेद होने के कारण इसमें अंदर इसमें इसकी फल छेदक इल्ली है, जिसके कारण अंदर ये दाने को खाती है और अंदर के दाने पूरी तरह से सड़ जाते हैं, जिसके कारण ये फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और ये फल बाजार में बिकने लायक नहीं रहता और इसके कारण किसानों को काफ़ी हानि होती है। किसान भाइयों, अनार में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए हमें साइपरमेथ्रिन 25% ईसी 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव करेंगे तो हमें जो फल छेदक जो कीट है, इल्ली है, उस पर नियंत्रण मिलेगा। या स्पाइनोसेट 45% एससी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर हम उसका भी छिड़काव करेंगे तो भी हमें फल छेदक कीट पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि एक ही कीटनाशक का बार बार इस्तेमाल नहीं करें, कीटनाशकों का अदल बदल के इस्तेमाल करेंगे तो जो कीटों के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है वो नहीं होगा और हमें जो फल छेदक जो कीट जो अनार को नुकसान पहुंचाता है उससे हमारी फसल बचेगी और हमें बाज़ार में हमारे फलों के अच्छे दाम मिलेंगे और अनार से हमें अच्छी आय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।